अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं, उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फलां क्वान्टिटी हमने गिवन में क्यों लिखी और ये क्वान्टिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ूकात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाई से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है और इसमें हमें कहा यह जा रहा है, इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने। हमें कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इन वन मिनट इफ 300 mA करंट इज पासिंग थ्रू इट। कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर 300 mA का करंट इस वक्त फ्लो कर रहा है एक मिनट में, और हमें कह रहा है कि बताएं कि उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। और नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हो रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और टाइम है हमारे पास वन मिनट का, और वन मिनट में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे करंट दिया हुआ है, करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास 300 mA करंट है, और ये हमारे पास 300 × 10⁻³ बन जाएगा जब मैं इसको इसके प्रीफिक्स लगा के ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास हमें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मिनट में इस 300 mA ऑफ करंट की वजह से उस सर्किट में या उस बल्ब से पास करेंगे। तो बच्चों आपने जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वहीं से हम इसका स्टार्ट करेंगे। यहां से इसको मैं क्वेश्चन नंबर वन कह लेता हूँ। आप लोगों ने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट के बारे में पढ़ा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ अ चार्ज इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज इन दैट सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ वन चार्ज। इसको मैं क्वेश्चन नंबर टू कह लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू से क्यू की वैल्यू इसी क्वेश्चन नंबर वन में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग क्यू इन इक्वेशन वन फ्रॉम टू, कि मैं इक्वेशन टू से Q की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन वन मेरे पास क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू एन ई, इस कैपिटल Q की जगह इसकी वैल्यू लग जाएगी, डिवाइडेड बाय T। हमारे पास N हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से N का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बन जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय E, यानी ये T डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये E मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास I की वैल्यू जो है वो 300 × 10⁻³ दी हुई है, T की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो है वो 60 है, और E की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है। अब जब आप इस सबको कैलकुलेटर के ऊपर ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे वाली से डिवाइड करवाओगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.125 × 10⁻²। बच्चों इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में से फ्लो करेंगे 60 सेकंड में जब 300 mA ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी।
अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।